हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहां पर उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे कि क्या बाहर अदर स्टेट एलिजिबल है या नहीं है, किस तरीके की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखी गई है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्या रिजर्वेशन का रूल है, इन सभी चीज़ों पे आपसे बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ उड़ीसा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ध्यान से देखिएगा, उड़ीसा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ओमैस के लिए, ध्यान रखिएगा, ओमैस के लिए यहाँ पर ग्रुप ए और बी, ग्रुप ए एंड बी दोनों का रिक्रूटमेंट यहां पर आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों का यहां पर रिक्रूटमेंट आया है और 17 अगस्त से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। 16 सितंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है, ध्यान रखेंगे 16 सितंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है, क्लियर रहेगा। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं किस तरीके का पोस्ट है और क्या क्या है यहां पर एलिजिबिलिटी। सबसे पहला पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए के लिए। पे स्केल है 15,600 से लेकर के 39,100 तक और ग्रेड पे दिया गया है 5400 का। ठीक है, 5400 ग्रेड पे। नेक्स्ट पोस्ट आता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रुप ए में। ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो इसका भी यहां पर सेम पे का बैंड रखा गया है, लेकिन यहां पर अगर आप देखिएगा तो 5400 का ही आपका ग्रेड पे भी है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका एनफोर्समेंट ऑफिसर का, तो एनफोर्समेंट ऑफिसर ग्रुप ए में सेम आपका रखा गया है पे बैंड, साथ ही साथ ग्रेड पे भी सेम रखा गया है 5400 का। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रुप बी, इसमें पे बैंड रखा गया है 9300 से लेकर 34800 तक का और ग्रेड पे रखा गया है आपका 4600 का, 4600 का ग्रेड पे रखा गया है, क्लियर है। तो ये बात हो गई पोस्ट और सैलरी की। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहां पे हम बात करेंगे पोजीशन और वैकेंसी की। असिस्टेंट डायरेक्टर के टोटल यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4 पोस्ट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए 6 पोस्ट है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए 15 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है यहां पर 27, क्लियर रहेगा। साथ ही साथ यहां पर ओबीसी जनरल एससी एसटी के लिए अलग अलग पोस्ट का क्राइटेरिया दिया गया। एलिजिबिलिटी, सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज की बात करूं तो मैक्सिमम एज जो है 38 इयर्स रखा गया है और मिनिमम एज यहां पर 21 इयर्स रखा गया है, क्लियर रहेगा। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे आप बढ़ेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो ध्यान रखिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रखा गया है और बैचलर डिग्री मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपका कंप्यूटर नॉलेज, पहला तो आपका ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री होना चाहिए, प्लस आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, चाहे आपके पास पीजीडीसीए हो या फिर आपका डीसीए हो या फिर आपका एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन तीनों में से कोई भी आपके पास एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद अदर इलिजिबिलिटी कंडीशन में देखेंगे तो मस्ट आपका रीड राइट और स्पीक उड़िया लैंग्वेज यहां पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। या फिर यहां पे अगर आप देखेंगे तो उड़िया को एटलीस्ट 10th में किसी ने पढ़ा हो या फिर आपका 12th लेवल पे कोई पढ़ा हुआ रहना चाहिए उड़ीसा का, क्लियर रहेगा। तो ये अदर एलिजिबिलिटी का कंडीशन है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट जब आप आएंगे प्लान ऑफ कंडक्ट एग्जामिनेशन का यानी सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो ध्यान से देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्जाम और वाइवा वॉइस टेस्ट, ध्यान दीजिएगा वाइवा जिसको हम इंटरव्यू भी बोल सकते हैं, वाइवा वॉइस टेस्ट आपका यहां पर लिया जाएगा। अब हम बात करें रिटन एग्जामिनेशन, तो रिटन एग्जामिनेशन 2 पेपर का होगा, जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2, दोनों पेपर आपके रहेंगे 200 मार्क्स ईच, दोनों पेपर जो है ये आपका रहेगा 200 मार्क्स का, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है जोन ऑफ एग्जामिनेशन का, तो जोन ऑफ एग्जामिनेशन आपका उड़ीसा ही रहेगा, उड़ीसा स्टेट में ही आपको कटक जोन में आपका जोन दिया जाएगा, जोन प्रोवाइड किया जाएगा एग्जामिनेशन का, क्लियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप देख सकते हो किस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे, उन्हीं सब चीजों के बारे में आपको बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेशन के बारे में कि सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, तो 10+2 का जो सर्टिफिकेट है वो कंसर्न बोर्ड या काउंसिल से होना चाहिए। अगर आपका एसटी का सर्टिफिकेट है तो भी आपका रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी से होना चाहिए, क्लियर है। इन सभी चीजों के बारे में आपको बताया गया है कि रिजेक्शन का आधार क्या बनेगा आपके एप्लीकेशन का, अप्लाई कैसे करना है, तो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद। फैसिलिटेशन काउंटर की अगर हम बात करें, फैसिलिटेशन सेंटर काउंटर जो है आपका ये आपका ओपन रहेगा 10:30 बजे से लेकर के 1:30 PM तक
और 2 PM से लेकर के 1:30 PM के बाद 2 PM से लेकर के 5 PM तक उड़ीसा गवर्नमेंट के वर्किंग डेज पे। क्लियर, आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हो कोई प्रॉब्लम आती है तो, और ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीजें मेंशन की गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट डेट्स में, तो देखिएगा ध्यान रखिएगा 17 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट है, 16 सितंबर को इसका लास्ट डेट रखा गया है। यहाँ पे स्कीम के बारे में बताया गया है क्या क्या आपका रहेगा, कि किस तरीके से मार्क्स ऑप्टेन होगा। 1/4 निगेटिव का ऑप्शन है। अगर आप पेपर वन का डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री आ गया, इंडियन पॉलिटी आ गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, जनरल इश्यूज है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, जनरल साइंस है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेंटल एबिलिटी। ये आपका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है कंप्लीट सिलेबस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप फी के बारे में बात करेंगे कि टोटल फी कितना लग रहा है, तो आप हम फी के बारे में बात कर लें यहाँ पे कि एप्लीकेशन फी क्या रहेगा। तो गाइस ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एप्लीकेशन फी के लिए आपको क्राइटेरिया मेंशन किया गया है कि SC ST के लिए यहाँ पर कोई भी फी नहीं देना है और रिमेनिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनको फी पे करना है। क्लियर रहेगा, फी पे करना रहेगा आपको। फी का अगर क्राइटेरिया देखेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे तो चालान बनवा करके डिमांड ड्राफ्ट से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट नेट बैंकिंग यूज करके भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का, उड़ीसा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अपडेट। आपको लगता है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ PGDCA DCA ADCA का आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यहाँ पे हम वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में इसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैरियर गाइडेंस के साथ साथ अदर एमिनिटीज भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपके कैरियर से रिलेटेड, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को क्या अप्रोच करना है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे या ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।